नमस्कार प्रिय साथियों, मैं स्वयं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले आप सभी लोगों को हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, हमारे देश में ऐसे वीर क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में देश के लिए अपना सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कुछ तो इनमें से टीनेजर्स थे, मात्र 15 से 18 वर्ष की आयु थी, लेकिन अगर आप इतिहास के पन्नों को अगर टटोल कर देखें तो इनका नाम आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ये कहीं गुमनाम होकर रह गए। कुछ में तो ऐसी दीवानगी थी, ऐसा असीम उत्साह था देश प्रेम का कि उसे जुबान में बयां नहीं किया जा सकता। ऐसा ही एक नाम है शांति घोष। ये दुनिया की सबसे कम उम्र की फ्रीडम फाइटर थी, मात्र 15 वर्ष की आयु। शायद ये लाइन इन्हीं पर मुफीद बैठती है कि शांति महायज्ञ का नायक कौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसकी यश गाथा भारत के घर घर में नवचुंबी है, जिसकी बेहद कम आयु भी युगो युगो से लंबी है। शांति घोष भारत के स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी वीरांगना थी। उनका जन्म 22 नवंबर 1916 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। उनके पिता देवेंद्र नाथ घोष कोमिला कॉलेज में प्रोफेसर थे और साथ ही राष्ट्रवादी कार्यों में सक्रिय रहते थे। शांति पर अपने पिता की राष्ट्रभक्ति का बहुत प्रभाव पड़ा। वो बचपन से ही भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ती रहती। 1931 में फैजुनिशा गर्ल्स स्कूल में पढ़ते हुए मात्र 15 साल की उम्र में शांति अपनी क्लासमेट प्रफुल्ल नलनी के माध्यम से युगांतर पार्टी में शामिल हो गई और क्रांतिकारी कार्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण लेने लगी। यह एक क्रांतिकारी संगठन था जो उस समय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर ब्रिटिश राज में खलबली मचाने के लिए प्रसिद्ध था। जल्द ही शांति के जीवन में वह दिन आया जब उसे अपनी मातृभूमि के लिए खुद को समर्पित करने का अवसर मिला। इस बुलावे को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। साल 1931 में दिसंबर की 14 तारीख को शांति अपनी एक और सहपाठी सुनीति चौधरी के साथ एक ब्रिटिश ऑफिसर और कोमिला के जिला मजिस्ट्रेट चार्ल्स जेफरी बैकलैंड स्टीवंस के कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने इस बात का बहाना दिया कि वे एक पेटिशन फाइल करने आई हैं। जब अधिकारी उनके कागजात देखने लगे तो उन्होंने अपनी शॉल के नीचे से पिस्टल निकाली और उन्हें गोली मार दी। इसे कार्यालय में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। शांति और सुनीति को तुरंत पकड़ लिया गया। इस घटना ने न केवल ब्रिटिश साम्राज्य बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। किसी को इन यंग लड़कियों की बहादुरी पर हैरानी थी तो कोई इनके हौसले की वाह वाह ही करते नहीं थक रहा था। ब्रिटिश सरकार ने उनकी कम उम्र की वजह से उन्हें फांसी की जगह काला पानी की सजा दी, पर इन दोनों देशभक्तों ने हंसते हंसते छोटी सी उम्र में जेल के भीषण टॉर्चर को सहा। साल 1937 में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों से आखिरकार शांति घोष को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, इसके साथ ही वे स्वतंत्रता कार्यों में भी सक्रिय रही। उन्होंने प्रोफेसर चितरंजन दास से शादी की। वे 1952 से 62 और 67 से 68 में पश्चिम बंगाल विधान परिषद में कार्यरत रही। उन्होंने अपनी आत्मकथा अरुण बहनी नाम से लिखी। साल 1989 में 28 मार्च को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली।